मैं सत्येन तिवारी अमेठी प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी भादर अमेठी। आपको ये सूचित कराने में खुशी हर्लास या क्या बताएं, आपको दुखद घटना हुई जो भी अपराधियों की खूंखार था हत्या हुई, ये सब ठीक है मामला, लेकिन ये एक जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हुआ, क्योंकि आधे घंटे के लिए जब विकास दुबे को वहाँ लेके चला गया, विकास दुबे की गाड़ी मीडिया के पीछे, उनकी गाड़ी सारी मीडिया के पीछे लगी हुई थी, तत्पश्चात आधे घंटे के लिए एसटीएफ की गाड़ी से मीडिया को रोक दिया जाता आधे घंटे में। उसी के दौरान एसटीएफ जो कि वहाँ से चलते हुए उज्जैन से एसटीएफ ने स्कॉर्पियो में विकास दुबे को बैठाई थी और वहाँ मौके वारदात पे मीडिया को रोक के आधे किलोमीटर आधे घंटे पहले ट्यूबी को पलटा दिया गया, और कहा जा रहा है कि विकास दुबे आत्मसमर्पण के बाद भाग रहा था, न तो उसके हाथ में हथकड़ी थी न तो कुछ था, अगर आत्मसमर्पण के पश्चात वो भाग रहा था तो उसके सीने में गोली कैसे लगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ी आवाज़ उठानी चाहिए सभी युवाओं को, क्योंकि ये अगर विकास दुबे तो ऐसे कोई पुलिस वालों को कोई मतलब मार ही नहीं सकता, एक गांव का कोई भी कितना बड़ा खूंखार रहे, हम मुख्तार अंसारी और जैसे करीबी नेताओं की कभी कोई इतने बड़े बड़े अपराधी इस उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन ये हाथ उठाया किस वजह से इसको सरकार को पता चलना चाहिए, विकास दुबे का ना कि एनकाउंटर। आपका कहने का मतलब जैसे मतलब अगर विकास दुबे का एनकाउंटर ना हुआ होता तो उससे कुछ राज मतलब निकलने की संभावना थी, विकास दुबे का एनकाउंटर अगर ना हुआ होता तो प्रदेश में ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग छुपे हैं जो विकास दुबे से एक सीओ प्रशासन पुलिस प्रशासन की जो हत्या हुई इसके पीछे का राज खुलासा हो जाता है जी। इसलिए माननीय महाराज जी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगी इसकी निष्पक्ष जाँच कराएँ, ना कि एनकाउंटर में कुछ नहीं रखा, हाँ खूंखार अपराधी था एनकाउंटर ठीक कर लेंगे, बट उसका रहस्य जानकर तब एनकाउंटर किया जाता तो शायद एक प्रदेश में अलग छवि माननीय महाराज जी की बनती। मैं महाराज जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, कृपया इसकी जांच अपने आप एक टीम गठित करके उसके माध्यम से कराएं, ताकि विकास दुबे परिवार वालों को न्याय मिले, ताकि ऐसा हो जो रहस्य छुपा हुआ है, ये रहस्य किस वजह से एनकाउंटर किया गया जो कि वहाँ से स्कॉर्पियो में बैठा बीच में आधे घंटे के लिए एसटीएफ कि टीम उसको ट्यूबी पलटी जाती है, मीडिया को रोक दिया जाता है, इसके बीच में कुछ न कुछ तो कार्य होगा जो बीच में भी हम लोगों को भ्रमित किया गया, और उसी समस्या में आज लॉकडाउन बढ़ा दिया गया ताकि कोई युवा आवाज़ न उठाए, विपक्षी आवाज़ न उठाए, प्रदर्शन न कर पाए इस रहस्य को जानने के लिए। ये योगी सरकार के ऊपर बहुत बड़ी ये आवाज़ उठानी चाहिए। माननीय मैं उसी संगठन से हूँ, मैं विरोध तो नहीं लेकिन अंदर आत्मा से मैं विरोध करूँगा, और खुल के विरोध आना पड़े तो मैं विरोध करूँगा सरकार का ही। जी धन्यवाद।